पिछले 24 घंटे में असम में बाढ़ की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 व्यक्ति लापता बताए जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार भुवनेश्वर से राष्ट्रीय आपदा बल NDRF के कर्मी बचाव अभियान में मदद के लिए असम भेजे गए हैं। बराक एवं कुशियारा नदियों का जलस्तर बढ़ते जाने से स्थिति गंभीर बनी हुई है। बराक घाटी में चल रही बाढ़ ने पूरे सिलचर शहर को जलमग्न कर दिया है। शहर के अंदर जल स्तर अब 8 फीट ऊंचाई तक बढ़ रहा है, जबकि अन्नपूर्णा घाट बराक नदी का जल स्तर घट रहा है, क्योंकि नदी का पानी कई बिंदुओं से शहर के अंदर स्वतंत्र रूप से आ रहा है। शहर की सभी सड़कें जलमार्ग में तब्दील हो गई हैं। सभी सड़कों पर जल भराव के कारण चिकित्सा सुविधाएं भी ठप हो गई हैं, क्योंकि शहर की सड़कों के माध्यम से नावों को चलाए बिना कोई भी उन तक नहीं पहुँच सकता है। 1 महीने पहले पिछली बाढ़ के दौरान पहले ही हाफलोंग स्टेशन पर रेलवे कनेक्शन बह गया था। अब भूस्खलन और जलभराव के चलते सड़क मार्ग भी बंद हैं। सिलचर सहित बराक घाटी और इसके शहर पेयजल की भारी किल्लत के कारण अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बिजली सेवाएं ठप होने के कारण लोगों का मोबाइल और इंटरनेट से भी संपर्क टूट गया है। बाढ़ के कारण शहर में सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी डूब गई हैं। दूर दूर तक पानी ही दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां हालात थोड़े सामान्य होते नजर आ रहे हैं, वहीं असम के सिलचर शहर में हालात अभी भी वैसे ही हैं। हर जगह पानी भरा हुआ है। इसी दौरान बाढ़ में एक स्थान पर मगरमच्छ भी निकल आया, जिस कारण भय का माहौल उत्पन्न हो गया, लेकिन समय रहते मगरमच्छ को पकड़ लिया गया। असम में ब्रह्मपुत्र, बराक एवं उनकी सहायक नदियों में बाढ़ की स्थिति मंगलवार को भी गंभीर बनी रही। राज्य में इसी प्राकृतिक आपदा के कारण अब तक 82 लोगों की जान जा चुकी है एवं करीब 45 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इस बीच तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने असम के लोगों के साथ एकजुटता दिखाते हुए बाढ़ प्रभावितों के वास्ते दान देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि NDRF की 4 इकाइयां बचाव अभियान में मदद के लिए भुवनेश्वर से सिलचर भेजी गई हैं। उन्होंने कहा, NDRF की 4 इकाइयां यानी कुल 105 कर्मी बराक घाटी में बचाव अभियान चलाने के लिए सिलचर भेजे गए हैं। उन्होंने इस त्वरित मदद के लिए गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। कचार में 2,07,143 और करीमगंज में 1,33,865 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राज्य में 36 में से 32 जिलों में करीब 48 लाख लोग बाढ़ की इस दूसरी लहर से बेहाल हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।